तो लो जी, T20 वर्ल्ड कप का सफर तो खत्म हो गया। जश्न अभी भी मनाया जाएगा और भी मनाया जाएगा। आज आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के विधानसभा में कप्तान रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल को फेलिसिटेट किया गया था। सिराज पहुंचे हैं हैदराबाद, तो वहां पर जश्न हुआ है। सब जगह जश्न मनता रहेगा, पर क्रिकेट का कारवा जो है आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि आज से शुरू करते कुछ अलग, जहाँ पे हम रोज छोटी छोटी बातें करेंगे क्या हो रहा है क्रिकेट में। ज्यादातर फोकस इंडियन क्रिकेट में और छोटा बहुत फोकस दुनिया भर के क्रिकेट में। तो पहला शुरू करते हैं वहां पर जिम्बाब्वे में। भारत की दूसरी T20 टीम ने अपना अभ्यास पूरा कर लिया है और 6 तारीख से यानी शनिवार से होगा पहला T20 मुकाबला। 5 मैच का T20 श्रृंखला है। इंटरेस्टिंग सीरीज होगा, बहुत इंटरेस्टिंग खिलाड़ी है उसमें। और उसमें जो कप्तान है शुभमन गिल, उन्होंने बड़े साफ तौर पर कह दिया कि लो जी, मैं तो T20 क्रिकेट में ओपन करना चाहता हूं। तो उन्होंने दावा ठोक दिया है रोहित शर्मा और विराट कोहली के T20 क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद कि मैं T20 क्रिकेट में ओपन करना चाहता हूं। तो उन्होंने पहला दाव बोल दिया है। तो यशस्वी जायसवाल जो पहला मैच नहीं खेल रहे हैं, अब उनको आके उस दूसरे जगह को पकड़ना है। और मेरा अभी भी मानना है कि शायद शुभमन गिल T20 क्रिकेट में, मेरे हिसाब से, मुझे नहीं लगता, पर मैं गलत हो सकता हूँ। पर अच्छी बात है कि अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे शुभमन गिल के साथ। अभिषेक शर्मा लेफ्ट आर्म स्पिन भी डाल सकते हैं। और आप लोग जानते ही हैं कि किस तरह से मैं बहुत बड़ा दीवाना हूँ इस बात का कि अगर कोई बल्लेबाज गेंदबाजी भी कर सके, जो एडिशन होता है गेंदबाजी में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जिम्बाब्वे की टीम को कम नहीं आंकना चाहिए, उनके कप्तान सिकंदर रजा हैं और भी बहुत इंटरेस्टिंग खिलाड़ी हैं। और मुझे लग रहा है कि भले ही वो T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई ना हुए हो, पर दे आर अ वेरी वेरी डेंजरस साइड इन दिस फॉर्मेट। और भारत की जहाँ तक बात है, बहुत इंटरेस्टिंग यंग खिलाड़ी हैं इस लाइनअप में जिनको मैं देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। खास तौर पर मैं तुषार देशपांडे को देखने के लिए उत्सुक हूँ, रियान पराग को, और मैं चाहता था कि नीतीश कुमार रेड्डी भी फिट हो जाए, पर अनफॉर्चुनेटली वो फिट नहीं है। तो उनके जगह पर देखते हैं बाद में शिवम दुबे खेलते हैं या नहीं खेलते। पर हर्षित राणा को मैं खेलते हुए देखना चाहता हूँ इंडिया के लिए, क्योंकि मुझे लगता है उस लड़के में बहुत ताकत है, बहुत दम है। गेंदबाजी दम से करते हैं, बल्लेबाजी भी कर सकते हैं चाहिए तो। और आई थिंक ऐसे क्रिकेटर की जरूरत है। और वॉशिंगटन सुंदर, एक बार फिर मेरी नजर उन पर है, क्योंकि जब भी कोई इस तरह का सीरीज होता है, पहला नाम जो होता है वॉशिंगटन सुंदर का होता है। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि वो किसी भी बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं बन पाते, क्योंकि बड़े टूर्नामेंट में अनफॉर्चुनेटली उनका जगह नहीं बनता, पता नहीं क्यों। तो इस बात के लिए उनको मेहनत करना पड़ेगा, खास तौर पर T20 टीम में और वनडे टीम में जगह बनाने के लिए। तो ये तो है बात भारत जिम्बाब्वे सीरीज की। बाकी सब जगह लीग्स चल रहे हैं। लंकन प्रीमियर लीग शुरू हो चुका है, दूसरी तरफ जो है वहाँ पर मेजर लीग क्रिकेट शुरू हो चुका है। T20 ब्लास्ट अब शुरू होने वाला है। काउंटी क्रिकेट में हमने देखा ग्लैमॉर्गन और ग्लौस्टरशायर की एक जबरदस्त मैच हुई, जिसमें 592 यानी 592 चेस कर रहे थे और मैच टाई हो गया। जबरदस्त मुकाबला था। और भी बहुत सारे क्रिकेट मैचेस अब शुरू होने वाले हैं। पाकिस्तान ने अपना इंटरनेशनल सीजन अनाउंस कर दिया है। 7 टेस्ट मैच होस्ट कर रहे हैं, एक वनडे ट्राई सीरीज होस्ट कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के पहले, और 9 टेस्ट मैच खेल रहे हैं कुल वो अगस्त से लेकर जनवरी तक। तो उनके टेस्ट टीम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। वो भी फाइनल पहुंचना चाहते हैं, बट फाइनल पहुंचना बहुत मुश्किल होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। उसके लिए तो सबसे बड़ी दावेदारी तो भारत की है। और बात तो अब करते करते आपको बता दें कि मुंबई में जो गुरुवार को जो सेलिब्रेशन हुआ, उसमें काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि बोर्ड के अधिकारियों को आगे नहीं आना चाहिए था। मैं भी बात हूँ, सही बात है, बोर्ड के अधिकारी आगे नहीं आने चाहिए थे, पर वो हो गया। अब लोगों को सलाम है मेरा। मैंने सुना कि करीबन 3 साढ़े 3 लाख लोग आए थे उस प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए। बहुत बढ़िया प्रदर्शन हुआ, और मुंबई पुलिस का भी बहुत बहुत शुक्रिया। पर ऐसा जश्न बनते रहना चाहिए। पर जरूरी बात यह है कि आप समझ जाएं कि आप इस वक्त सिर्फ T20 में वर्ल्ड चैंपियन है। आपको अभी वनडे में वर्ल्ड चैंपियन बनना है, टेस्ट में वर्ल्ड चैंपियन बनना है, और आपको टेस्ट में भी बाहर जाके टेस्ट सीरीज जीतना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। आप इस वक्त सिर्फ एक फॉर्मेट में वर्ल्ड चैंपियन है। और क्रिकेट में अब पहले T20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका
की विमेंस टीम ने भारत की विमेंस टीम को हरा दिया 12 रनों से। ये बेसिकली एक प्रिपरेटरी सीरीज है जो वो लोग खेल रहे हैं एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले, T20 वर्ल्ड कप जो सितंबर में होगा बांग्लादेश में। तो आई थिंक दैट इट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग टाइम फॉर विमेंस क्रिकेट, बहुत सारा क्रिकेट अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है उनको। और मेन्स क्रिकेट की जहाँ तक बात करें उस पर एक कड़ी नजर होगी हमारी। तो ये फॉर्मेट आपको कैसा लगा आप वीडियो के नीचे कॉमेंट करके बताइए, किस तरह से लगता है आपको ये फॉर्मेट कि हम रोज क्रिकेट की बात करेंगे इसी तरह आप, और जब वक्त होगा तो जरूर लाइव भी करेंगे। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिए, गुड बाय फॉर नाउ, गुड नाइट, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।